हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एक्ट्स के बारे में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे शुरू किए गए थे। ये जो एक्ट्स थे जो इस टाइम पे 1773 से स्टार्ट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मेन मोटिव रहता है कि जो इनका ट्रेड है या फिर जो ये ट्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसको ये बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। इन एक्ट्स के जरिए क्या होता कि जितने भी रूलर्स हैं और उन जितने भी प्रेजिडेंसीज हैं उनकी पावर्स को डिक्रीज कर दिया जाए, जिनकी वजह से इनकी पावर्स जो ब्रिटेन की पावर्स हैं वो इंक्रीज हो जाए और इनका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होने लग जाए। इसी के साथ में हम शुरू करते हैं डिफरेंट एक्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ये सबसे पहला एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था और इस एक्ट में इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस रखे थे, जिन्हीं प्रोविजंस की हम अभी बात करने वाले हैं। इन प्रोविजंस में सबसे पहले जो प्रोविज़न था उसमें ये था कि जो कंपनी थी कलकत्ता कंपनी का जो गवर्नर था उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया था। गवर्नर ऑफ कलकत्ता कंपनी, यानी कलकत्ता में जो कंपनी इन्होंने या जो फैक्ट्री ओपन की थी, यहाँ कलकत्ता जो प्लेस था उस टाइम पे जो यहाँ का गवर्नर था उसी को क्या बना दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहला प्रोविजन तो यही रहता है। इसके जरिए क्या होता है कि जो बंगाल है, उस टाइम पे हमने बंगाल में ही बात करी थी कि जो बंगाल था उसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था किसको, ब्रिटेन को, और जो बंगाल था सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्टेट था उस टाइम का। इसीलिए जो इन्होंने अपनी पावर्स को ऑक्यूपाइड करने की कोशिश की वो कहाँ पर की, बंगाल में। इसीलिए इन्होंने जो गवर्नर जनरल बनाया वो कहाँ बनाया, बंगाल में। अब इसी के साथ में होता क्या है कि जब ये गवर्नर जनरल बन जाता है तो उस टाइम पर तीन प्रेजिडेंसीज थी, पहला बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अब इन तीन प्रेसिडेंसीज में, इसमें तो इन्हें इन लोगों ने इसे सुप्रीम बना दिया, क्योंकि गवर्नर जनरल कहाँ बन रहा है, बंगाल में, और बाकी दोनों जगह क्या हैं, गवर्नर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दोनों हैं वो सबऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके, बंगाल के। वही चीज़ होती है कि यहाँ पे जो बंगाल है वो तो सुप्रीम हो जाता है और जो मद्रास एंड बॉम्बे हैं वो इसी के सबऑर्डिनेट बना दिए जाते हैं। अब इसी में क्या होता है, बॉम्बे एंड मद्रास बिकेम सबऑर्डिनेट्स। इसी के साथ में जब गवर्नर जनरल की पोस्ट यहाँ पे दे दी तो गवर्नर जनरल की जो टीम है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा क्या करेगा आखिर। इसीलिए गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए इन्होंने 4 मेंबर्स की क्या बनाई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो किसको असिस्ट करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इसी के साथ में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत, यानी इसी के कारण की वजह से 1774 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है कहाँ, कलकत्ता में। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है तो यहाँ पे कोई जुडिशियल भी चाहिए, या फिर कोई बैरिस्टर, या फिर कोई भी वकील चाहिए हमें यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खाली हम सुप्रीम कोर्ट बना देंगे और वहाँ पर कोई होगा ही नहीं तो फ़ायदा क्या। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर 3+1 की थीम रखी गई। 3+1 मतलब 3 जजेस प्लस एक सुप्रीम जज या फिर CJI, जिसका नाम था, जो ये एक जज था इसका नाम क्या था, एलिजा एमपी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले जो हेड बना वो कौन था, एलिजा एम्फे, जिसके साथ ही 3 और लोग थे या फिर 3 और जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को संभाला था कब, 1774 में।
इतनी बात हो जाती है। अब इसी के बाद में क्या होता है कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, जो 1773 का एक्ट था, इसी में अब एक चीज़ और ये रख देते हैं कि जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, किसके यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड पर्सनल्स हैं, अब वो क्या करेंगे, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या था, प्राइवेट ट्रेड करने की वजह से वो करप्शन को इंक्रीज कर रहे थे, ब्राइब्स लेना शुरू कर रहे थे, गिफ्ट्स लेते थे, और गिफ्ट्स के जरिए क्या करते थे, वो जो भी रूलर्स हैं या प्रेजिडेंसीज हैं उनको प्रॉफिट्स देते थे। अभी वहीं पर करप्शन को दूर करने के लिए 1773 में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया जाता है, यानी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया जाता है। वहीं ये मना कर दिया जाता है कि आप किसी भी प्राइवेट ट्रेड में ज्वाइन नहीं करेंगे या इंडल्ज नहीं होंगे। क्या था, एबॉलिश्ड प्राइवेट ट्रेड। अब इसमें ये एक और चीज रख दी कि अगर कोई भी करप्शन पाया जाता है या फिर जैसे कि कॉर्नवालिस है या फिर कोई भी गवर्नर जनरल जो बनता है उसके वापस जाने पे, यानी कि जब वो ब्रिटेन में वापस जाएंगे तो जितना भी उन्होंने इनकम ली है कहाँ से, इंडिया से जो भी इनकम ली है उन्हें उस सारी चीज़ों का ब्यौरा देना होगा। इसी के साथ में एक इंसिडेंट होता है कि जो कॉर्नवालिस था जब वो ब्रिटेन पहुंचता है 1786 में, जब वो पहुंचता है इस टाइम पे तो वो बनता है कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस। अब जब वो वापस पहुंचता है ब्रिटेन में अपनी जॉब के बाद में, तो वहाँ का जो ब्रिटेन का रूलर था वो ये बोलता है कि जो तुम्हारा जितनी भी तुमने इनकम की है मुझे उसका ब्यौरा दो, और जो कॉर्नवालिस है उसके अगेंस्ट चार्जशीट कर देता है करप्शन की। अब इसमें होता क्या है कि जो कॉर्नवालिस है उसने कोई भी करप्ट किया ही नहीं था, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया तो उसका ट्रेड इतना अच्छा रहा कि उसने काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से कमा लिया। उसके बाद में जो भी चार्जशीट उस पर लगती हैं वो बाद में हटा दी जाती हैं, पर जब उसकी चार्जशीट हट जाती है ना ही तो वो इंडिया आता ना ही वो ब्रिटेन रहता, वो चले जाता है स्कॉटलैंड सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो इसी की तरह से काफ़ी लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। फिर इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद या रेगुलेशन एक्ट के बाद ही क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एक दो रह जाती हैं, जिसके बाद में एक और एक्ट आता है और इन चीज़ों को चेंजेस करने के लिए, और वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पेट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट में होता क्या है कि इसमें सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स को बनाया जाता है एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो क्या है इसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये काम था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट है उस पर निगरानी करे, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो काउंसिल है किसकी, गवर्नर जनरल की, उस पर कौन ध्यान रखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसीलिए इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था कब, 1784 में। इसी के साथ में क्या होता है कि इसी के बाद में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो पावर्स थी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर, इसमें क्या कर देते हैं, डिफरेंस डाल देते हैं, यानी डिस्टिंग्विश कर देते हैं ये पावर्स को। किसमें पावर्स को डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल में, किसी कंपनी की, मतलब जो कमर्शियल पावर्स हैं उनको अलग कर दिया, पॉलिटिकल पावर्स को अलग कर दिया, कि कोई एक पर्सन है ना, कोई जैसे कि मान लो कि कोई एक है वो इन दोनों पावर्स को अब हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए अलग असिस्ट करेगा, इसको अलग, इसीलिए इसको जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया था 1784 में। अब इसी के साथ में क्या होता है कि
थर्ड जो इसमें रहता है वो ये था कि जो ब्रिटिश का पोजेशन था या फिर यहाँ पे जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, अब उनको ब्रिटिश ने क्या बोल दिया, ब्रिटिश पोजेशन। किसको? ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी इन इंडिया, जो ब्रिटिश टेरिटरी थी इंडिया में या फिर जो भी ऑक्यूपाइड की थी टेरिटरी, किसने, ब्रिटेन ने, यहाँ पर उनको ब्रिटिश पोजीशन करना शुरू कर दिया ब्रिटेन ने। इसी के बाद में जब 1785-86 में कॉर्नवालिस आता है तो उसको पावर दे दी जाती है ओवर रूल की, किसके ऊपर ओवर रूल, जो उसकी काउंसिल है उसके ऊपर ओवर रूल की पावर दे दी जाती हैं। और इसके अलावा जब कॉर्नवालिस आता है तो उसको कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है ब्रिटेन की ट्रूप का। और इस स्पिरिट्स इंडिया एक्ट में खाली इन्हीं प्रोविजंस की बात की जाती है। इसी के बाद में नेक्स्ट जो प्रोविज़न या फिर नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो चार्टर एक्ट होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि सबसे पहला जो ब्रिटेन की जो ट्रेड इस टाइम पर चल रहा था उसको बढ़ा दिया जाता है 20 साल के लिए, कि पहले तो बोला जा रहा था कि हटा देंगे, पर अब होता क्या है कि इस चार्टर एक्ट के थ्रू ये बोलते हैं कि 20 साल तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसको, जो ब्रिटेन का ट्रेड है उसको। तो सबसे पहला प्रोविज़न क्या है, 20 इयर्स एक्सटेंडेड, किस चीज़ के लिए, ब्रिटेन ट्रेड या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया। दूसरी चीज़ जो इसमें होती है 1793 के चार्टर एक्ट में, इसमें ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर पर्सनल रूल चल रहा है, पर्सनल रूल को बंद करके, यानी कि जो रूलर्स हैं वो अपना रूल चला रहे हैं कैसे भी, जो भी बोल देते हैं वही होना शुरू हो जाता है, उसको बंद करके यहाँ पे गवर्नेंस रूल होगा जो रिटर्न होगा, और जितने भी लॉज हैं किससे रिलेटेड, लॉज रिलेटेड टू राइट्स एंड प्रॉपर्टी शुड बी रिटर्न, मतलब कि जो भी लॉज थे किससे रिलेटेड, राइट्स से एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल, वो होने चाहिए रिटर्न। और कौन सी लैंग्वेज में, इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे रिटर्न लॉस के लिए शुरू कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया इन्हीं चीज़ को, कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों की या फिर जो अटॉर्नीज हैं वो यहाँ पे प्रिंटेड होना शुरू हो जाती हैं। अब इसी 1793 के चार्टर एक्ट में एक बात और होती है कि जो सैलरीज हैं गवर्नर जनरल की और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, वो किसके द्वारा जाएगी, वो इंडियन एक्सचेकर के द्वारा दी जाएगी। सैलरीज ऑफ गवर्नर जनरल एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, टू बी पेड बाय इंडियन एक्सचेकर। मतलब कि जो गवर्नर जनरल की और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इसकी थी, जो चार मेंबर्स की थी, उसकी सैलरी पहले किससे आ रही थी, ब्रिटेन से। पर 1793 में क्या होता है कि जो सैलरीज हैं वो ब्रिटेन से आना बंद होके अब इंडिया के रेवेन्यू से ही जाना शुरू कर देती हैं। इसी के बाद दूसरी बात कि जो ये गवर्नर जनरल और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसको कहा जाता था होम गवर्नमेंट। इसी के साथ में जो सारी सैलरीज थी किसकी, इंडियन सॉरी सैलरीज थी गवर्नर जनरल और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, वो दी जाने लगी इंडियन एक्सचेकर्स के द्वारा। इसी के साथ में जो पावर्स दी गई थी कॉर्नवालिस को, जिसमें हमने बात की थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में,
उसमें ये कहा गया था कि जो कॉर्नवालिस है जब वो 1785 में आता है तो उसको पावर्स दी जाती हैं कि जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अपने मनचाहे तरीके से उसको रूल करा सकता है। अब इसी साथ में जब 1793 का ये एक्ट आता है तो इसमें भी क्या कर दिए जाते हैं कि जो पावर्स थी ओवर रूल की पावर टू ओवर रूल गिवन टू गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जो ओवरऑल की पावर कॉर्नवालिस को दी गई थी वही यहाँ पे एक्सचेंज करके किसको दी जाती है, बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स को। इसके बाद हम 1793 के एक्ट के बारे में बाद में 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। 1793 के बाद में जो नेक्स्ट चार्टर आता है 20 साल बाद इसके, वो आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में होता क्या है, इसमें कहा जाता है कि जो अभी तक ट्रेड चल रहा था किसका, ब्रिटेन का या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो यहाँ पे एबॉलिश कर दिया जाता है। पर होता क्या है कि जो ट्रेड था यानी चाय का ट्रेड, ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, उसको कंटिन्यू रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड था इंडिया से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है प्राप्त हो रहा था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा, चाइना ट्रेड से अब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया था ब्रिटेन को, जिसकी वजह से ये उन दोनों ट्रेड को कंटिन्यू रखते हैं और बाकी ट्रेड की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म कर देते हैं। एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना और ट्रेड मोनोपोली वर एबॉलिश्ड। चाय की ट्रेड और ट्रेड विद चाइना के अलावा जितनी भी ट्रेड की मोनोपोली हैं, यानी कि जो भी इनका एकाधिकार था जिस भी ट्रेड के ऊपर, वह यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और अब ये बोल देते हैं कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंट्री यहाँ पर आकर अपना ट्रेड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटेन का मोनोपोली है या फिर एकाधिकार है वो ख़त्म हो जाता है। इसी के बाद में इसी चार्टर एक्ट के दौरान ये कहा जाता है कि जो जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया में आकर रह सकती हैं लाइसेंस के साथ में, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकती हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड इंडिया में आने के लिए, क्रिश्चियन मैंने मिशनरीज को अलाउ कर दिया। इसी के बाद में क्या होता है, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भी 1813 के चार्टर एक्ट में ही ये बोला जाता है कि जो 1,00,000 रुपये हैं वो इंडियन एजुकेशन के लिए रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर क्या था कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उन्हें ज़रूरत थी एजुकेटेड लोगों की, जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा कि 1,00,000 रुपये पर एनुअम के हिसाब से इन्होंने जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन है उनको फ़ायदा हो और उनको यहाँ पर रूल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए क्या करा, 1,00,000 रुपीस फॉर इंडियंस एजुकेशन। पर होता क्या है कि यहाँ से इस चार्टर एक्ट में तो बोल दिया गया कि अब जो 1,00,000 रुपये हम इंडियन एजुकेशन के लिए रखते हैं, पर वो 20 साल तक रखा ही नहीं गया, क्योंकि जो यहाँ के गवर्नर जनरल से उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि एजुकेशन किस तरीके से रखें, और बीच में डिबेट होना शुरू कर दिया कि जो एजुकेशन है उसका मीडियम क्या हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर कोई और इंडियन लैंग्वेज हो। इसी के ऊपर 20 साल तक बहस चलती है और 20 साल तक ये जो 1,00,000 रुपये है वो यूज़ ही नहीं होता।
मतलब कि 20 लाख रुपए जो हैं वो गवर्नर जनरल्स के हाथ में सीधे सीधे चले जाते हैं और उनका कोई यूज़ नहीं होता इंडिया में। जिस तरीके से 1784 में ये कहा गया था कि जो ब्रिटेन है वो किसी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, पर उसके बाद भी वहाँ पर क्या होता है, टेरिटरी ऑक्यूपाई होना कंटिन्यूड रहता है। उसी तरीके से ये जो 1 लाख रुपये 20 साल तक यूज़ नहीं होता। इसी के साथ में होता क्या है कि पहला तो यहाँ पर टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना के अलावा जितनी भी मोनोपोली हैं वो ख़त्म कर दी। दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनको अलाउड कर दिया। और जो थर्ड चीज़ होती है वो 1 लाख रुपए जो है इंडियन एजुकेशन को दिए जाते हैं। और इसी के साथ में इस ट्रेड में भी 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या बात करते हैं कि 20 साल तक जो ट्रेड है उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं। सिमिलरली 1813 में भी क्या होता है कि 20 साल तक जो इनका ट्रेड है वो एक्सचेंज कर दिया जाता है। कि ये चार्टर एक्ट के तहत 20 साल तक और इंडिया में ट्रेड करेंगे। इसी के बाद में आता है 20 साल बाद ये 1833 में चार्टर एक्ट, जिसके दौरान ये काफ़ी और ज़्यादा चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो यहाँ पर ट्रेड करने में या फिर अपना रूल इस्टेब्लिश करने में। अब इसी के बाद हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। इस चार्टर एक्ट में होता क्या है कि अब जो मोनोपोलीज जितनी भी सारी ट्रेड की थी, चाहे वो टी ट्रेड हो या फिर ट्रेड विद चाइना हो, वो सारी एबॉलिश हो जाती हैं। मोनोपोली ट्रेड की एबॉलिश हो जाती है। और उसी के बाद में क्या होता है कि इसी के चार्टर 1833 के दौरान आईपीसी एंड सीआरपीसी बनाई जाती है। और इस आईपीसी और सीआरपीसी बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, जो ब्रिटिश की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसी काउंसिल के तहत जिसमें एक बैरिस्टर और ऐड किया जाता है, उसमें बैरिस्टर ऐड किया जाता है। बैरिस्टर मतलब एडवोकेट, जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले को ऐड किया जाता है जो कि खुद ही एक बैरिस्टर थे, और इन्हीं के साथ में मिलकर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो आईपीसी एंड सीआरपीसी का गठन करती है, जो कि आईपीसी आज के टाइम में भी यूज होती है। इसी के साथ में इसी के साथ में क्या होता है कि आईपीसी सीआरपीसी बन गई किससे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ जो गवर्नर जनरल की है, जिसमें एक बैरिस्टर ऐड किया गया, यानी एक एडवोकेट ऐड किया गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, और इसी के साथ में मिक्स होकर बनती है आईपीसी एंड सीआरपीसी। इसी के साथ में जो कॉलोनाइजेशन है उस पर लीगल बैरियर लगा देते हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया अब नहीं होगा, उस पर क्या हो गया, लीगल बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। इसी के साथ में जब मोनोपोली ऑफ ट्रेड एबॉलिश होता है तो उसी टाइम पे क्या कहता है कि जो क्राउन है वो बोलता है यहाँ पर कि जितना भी ब्रिटेन का या फिर कंपनी का ट्रेड है, कॉमर्शियल बिजनेस है, उसको यहाँ से वाइंड अप करके तुरंत जितने भी वहाँ के लोग हैं वो वापस ब्रिटेन आ जाएं, ऐसा कहा जाता है चार्टर एक्ट 1833 में। उसके बाद में आईपीसी सीआरपीसी आ जाते हैं, कॉलोनाइजेशन होता है, और उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए सेक्शन 87 में ये कहा जाता है कि जितनी भी जॉब्स हैं इंडियंस के लिए वो किसी भी कास्ट, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रेशियल हो चाहे कास्ट से रिलेटेड हो, उन्हें नहीं रोका जाएगा। किसके बेसिस पे, मतलब कि एक तरीके से सेक्शन 87 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस चीज़ में, एजुकेशन एंड जॉब्स में, इन दो चीज़ों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में होता क्या है, 1833 का जो लास्ट प्रोविज़न रहता है वो ये होता है कि जो एक और प्रेजिडेंसीज में ऐड कर दी जाती है, और जो आगरा है उसको बना दिया जाता है प्रेसिडेंसी।
आगरा जो है उसको प्रेसिडेंसी बना दिया जाता है, मतलब कि अभी पहले जो प्रेसिडेंसी थी वो कौन सी थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, अब एक और ऐड कर दी जाती है आगरा। और इस आगरा के ऐड करने के साथ ही एक चीज़ और होती है कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये थे 1833 के चार्टर एक्ट के प्रोविजंस जिनके बारे में हम बात कर ली। अब इसी के साथ में हम शुरू करते हैं 1853 के जो चार्टर एक्ट था उसमें जो जो प्रोविजंस रहे उनके बारे में। एटीन फिफ्टी थ्री के चार्टर एक्ट में सबसे पहला क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहला जो था कि सेपरेट कर दिया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को। सेकंड चीज़ जो होती है जो सिविल सर्विसेज हैं ये जो है स्टार्ट कर दिया जाता है इंडियंस के लिए भी। और इसी सिविल सर्विसेज के लिए एक कमेटी बनाई जाती है कब, 1854 में, जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले कमेटी। ये कमेटी बनाई जाती है किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। इसी बाद में 1863 में सबसे पहले जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या फिर जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो बनते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इसी के साथ में जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इनका मेंबर्स बढ़ा दिए जाते हैं। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, पहले ये चार थे तो अब ये छह हो जाते हैं। अब इस छह में क्या है, जो चारों प्रेसिडेंसी थी जो चार मेंबर्स हैं वो उससे ऐड किए जाते हैं, यानी उससे इलेक्ट किए जाते हैं और बाकी दो अलग से लिए जाते हैं। तो ये रहता है 1853 का चार्टर एक्ट जिसमें जो इंडियंस हैं उनको लेना शुरू कर दिया जाता है नॉन ऑफिशियली, बट इतने ज़्यादा तादाद में नहीं लिया जाता है। इसी के बाद में जो क्राउन रूल है वो शुरू हो जाता है 1858 से, जब सिपाही म्यूटिनी होती है, यानी 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसी के बाद से जो क्राउन रूल है वो स्टार्ट हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी के साथ में अगर आपको कोई भी डाउट हो इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।